फुल बसंत में हो रही है मुझे। क्या बात है भाई, फैसलाबाद फैसलाबाद ही है। क्यों कह रही है फैसलाबाद की इतनी तारीफे कर रही है, भाई खुद लेके आए हैं ना पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा पतंग है और अभी अब उनको क्या। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा, और ये है कि आज है फैसलाबाद में बसंत। और ये होती है कि फैसलाबाद में बसंत ना हर दफा बड़े ना जोरों शोर से मनाई जाती है। और ये जो पीछे आपको गेस्ट नजर आ रहे हैं ना डाइनिंग टेबल पे बैठे, ये है लाहौर से वो ये जो दरमियान वाला बंदा ना, ये फैसलाबाद का ही है। और ये भाई और वो जो पीछे बैठे है ना, अभी मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। तो ये स्पेशली ना बसंत मनाने के लिए फैसलाबाद आए हैं। फिलहाल हम खाना खा रहे हैं। हाँ जी गाइस, खाना बहुत मजे का है। तो हम स्पेशल लाहौर से फैसलाबाद बसंत के लिए आए हैं, और बहुत मजा आ रहा है। अभी ऊपर छत पे भी आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि ना भाई को बसंत मनाने का बहुत ज्यादा शौक होता है पतंग उड़ाने का। और अभी फिर ये था कि दोपहर खाने की ब्रेक आ गई है, अभी ऊपर भी जाएंगे, आपको सारा व्यू दिखाएंगे। पता नहीं आपको आवाजें मतलब शोर सुनाई दे रहा है कि नहीं, और अभी मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। जी मैंने इनको बार बार कह कह के ना, मैंने कहा आ जाए आप पहले खाना खा लें और फिर उसके बाद ना बसंत मना लीजिएगा। और अभी हम छत पे भी जाएंगे, अभी दोपहर का टाइम है, अभी ये खाना खाने में बिजी हैं। और ये जो भाई है ना, ये बड़े जुनूनी हैं ये ना बसंत मनाना अगर लाहौर में हो ना तो कहते हैं मुझे बड़ी खुशी हो, लेकिन ये कि लाहौर में पाबंदी बहुत ज़्यादा है, फैसलाबाद में इतनी नहीं है। अब ये खाना शाना खा लें तो फिर उसके बाद हम जाएंगे छत पे, और उधर भी आपको दिखाएंगे। और ये देख सकते हैं इन्होंने ना ये डोरा शोरा डोर वगैरह जो भी होती है इधर रखी है। और ये हमारा मेहमान जो है ना थोड़ा शर्मीला सा है इसका नाम भी फूल है। हाँ ये फूल नाम है गुलाब का फूल गुलाब का फूल। और ये जनाब इनको तो आप जानते ही है ना। और अभी फिर ये था, मैंने कहा चले मैं साथ साथ अपनी ब्लॉगिंग करती हूँ, और अभी छत पे जा के ना फिर ये जो भाई है ना ये हमारी वीडियो शूट करेंगे। और अभी फिर आपको दिखाते हैं जो भी कर रहे हैं कि कैसी बसंत मनाई जाती है ना। इन जनाब ने सबने खाना तो खा लिया है, और अभी ना छत पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा पतंग है, और अभी अब उनको क्या पता कौन कौन सी डोर है आपके पास। और पास तीन किस्म की डोर है। अच्छा जी, ये कहाँ से लेके आए हैं आप? लाहौर से। पिंडी से स्पेशल मंगाई है, और पिंडी वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम फैसलाबाद वालों को चीजें प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा। पिंडी वालों का भी बहुत शुक्रिया। हाँ जी, ये डोरे इनकी वजह से ही हमें मिलते हैं कि आज जो हम बसंत मना रहे हैं उनकी वजह से। और अभी इन्होंने खाना खा लिया, अभी ये जाएंगे छत पे। हाँ जी तो अभी जो बकाया वाला व्लॉग है ना वो आपको छत पे मिलेगा। और जी अब इनकी चले जी जाएं आप मोबाइल दे दो मैं जाने। तो अभी हम आ गए हैं छत पे, तो देख सकते हैं लोग छतों पे चढ़े हैं बसंत मनाने के लिए। गुड्डे शायद थोड़े नजर ना आए आपको, चले ये तो पता ना बसंत है। वह पकड़ी गुड्डा इनका, सीधा करके उठा दे। बाबा जी फैसलाबाद फैसलाबाद। अभी जुमे का टाइम हुआ है तो इसलिए थोड़ी गुड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। अभी जुमे का टाइम ख़त्म होगा ना फिर काफ़ी ज़्यादा गुड़ियाँ आएंगी। अभी ये कट के जा रहा गुड्डा। किधर गया ब्लू, तेरा किधर है? अभी ये भाई का गुड्डा कट गया, अभी भाई का गुड्डा कट गया। तो कोई नहीं, साथ साथ ये भी होता है फिर। ये एक मिनट में वीडियो बना लो फिर आपके साइड पे करता हूँ। अभी काफी मछली है भाई ने डाया अभी गुड्डा, ये वाला ये हमारा गुड्डा है।
अभी ये छतों पे काफी लोग चढ़े हुए हैं, वो सामने काफी ज्यादा गुड्डे उड़ रही हैं। ये वाले क्या हुआ है? ये यार गुड्डा हमें पकड़ना था, चले गया। हवा भी काफी कम हुई, पहले हवा को बहुत ज्यादा थी। कट गया, ओए ओए भाई का गुड्डा कट गया यार। क्या हुआ था? पता नहीं चला। चल कोई नहीं, ओए यार गुड्डा कितना प्यारा है यार, वो कट के जा रहा है। ओए ओए गुड्डी उड़ाई थी, गुड्डी हमारी कटी है अभी। ये बेचा, वो गुड्डी कट, बेचा नहीं था लगा, वो गुड्डी कट के आ रही थी, उसकी डोर लग गई फिर। चलो कोई नहीं, साथ साथ ये भी है फिर, ये डोर अभी खींच रहे हैं भाई मेरे। चलो 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 चलो, अभी आपको गुड्डा दिखाता हूँ बड़ा सा, ये देख चेक करें। ये पता नहीं 6 तवा या 2.5 तवा, ये दूर से पता नहीं चल रहा। चलो जितने तवा मर्जी हो। तो जी फ्रेंड्स, अभी देख सकते हैं फुल बसंत में हो रही है मुझे। क्या बात है भाई, फैसलाबाद फैसलाबाद ही है भाई, जश्न हो रहे हैं जश्न। अब पतंग अपनी उड़ा ली है, सामने नजर आ रही होगी आपको, कौन सी है भाई की पतंग? ब्लू वाली। हाँ जी, और इनको ना बड़ा शौक है, और इतनी ज्यादा ऊपर ठंडी ठंडी हवा भी है ना, और देख सकते हैं लोग ना बड़ी बसंत मना रहे हैं इस साइड पे बहुत ज्यादा। ये सैम पतंग उड़ा रहा है, और इसका गुड्डा तो बड़ा अच्छा है पर कन्नी खा रहा है, तो इसलिए गाइज इसको कहा है कि टोपी उतार लो, पर फैसलाबाद में बड़ी ठंडी हवा चल रही है और गुड्डा भी हमारा अड़ गया है। कोई नहीं कह रहे, वो देखो जश्न हो रहा भाई मेरे, जश्न जश्न हो रहा, जश्न। क्या बात है, ये देखी तो ये गुड्डा, गुड्डा किधर गया? ये है, ये जा रहा गुड्डा, ए वो हो गया गुड्डा। गुड्डा कितना प्यारा है वो ना। अभी शाम हो गई है, तो अभी ना अभी हमारी चाय भी बन गई है। देखे डब्बीदार गुड्डा, ये है, ये जा रहा, ए किधर गया? वो है, वो जा रहा है। और ये एक हमारा कजन है, ये गुड्डी फंसी हुई है, तो भाई मेरा कोशिश कर रहा है कि आ जाए। मैंने इसे मना भी किया, बेटा नहीं आनी गुड्डी, नहीं आनी, कहता नहीं मैंने इसे लेके आना है। वो ये गुड्डा आया, वो यार पकड़ो गुड्डा वे, तो भाई पतंगे लेके आ रहे हैं अभी भाई, एक उड़ाते एक कटाते हैं। हवा हवा बहुत तेज है, ये भी पड़ी हुई है मगर वो ना मजा नहीं आया इससे। तो गुड्डी आ रही है देख, अब ये चाय मिठाई लेके जाएंगे ऊपर, और ये टेक ब्रेक होने लगा हमारा। हाँ जी, ये छत पे जा रहे हैं, तो फिर हम गुड्डी फिर से उड़ाएंगे। हाँ जी, आप चले जाएं, मैं आपकी चाय बस। हाँ जी, ये स्वीट भी खाएंगे चाय के साथ। तो जी अब ये चाय इधर पियेंगे। ये लिपो पुटा, वो
और भाई ने फिर से ना स्टार्ट कर दिया। मैं जब भी भाई की वीडियो बनाना स्टार्ट करती है ना, मैं भी पकड़ूंगा भाई। हाँ भाई ना, फिर ये होता है जी, भाई की पतंग कट जाती है। देखिए कितनी बुरी बात है, जो हल्का गुड्डा होता है जिससे उंगलियां नहीं कटती वो सैम पकड़ लेता है। देख ले मेरी कितनी उंगलियां कटी हुई हैं। हाँ जी, और फिर भी इनको शौक है। आप पकड़ो, आप पकड़ो। ये देखे, ये फैसलाबाद की मिठाई है। बहुत मिठाई वाले चौक की, बहुत मजे की है। आप कभी आए और फैसलाबाद में मिठाई वाले चौक से, क्यों कह रहे हैं फैसलाबाद की इतनी मिठाई लिए, बहुत मजे की तरीफे कर रहे हैं। भाई खुद लेके आए हैं ना। ये इस वजह से बहुत मजे की। हाँ जी, तारीफ कर रहे हैं ना। तो जी ये था कि मैं तो नीचे आ चुकी थी बसंत देख के, क्योंकि बसंत देखने का ना बहुत ज्यादा मजा आ रहा था मुझे। वैसे पतंग उड़ानी तो नहीं आती, लेकिन ना सैम और भाई दोनों ना उड़ा रहे थे पतंग, तो बड़ा अच्छा लगा। ये था, अभी फिर आ गई हमारी आ गई टी ब्रेक, क्योंकि इनको तो कहना ही पड़ा कि हाँ जी जी आ जाओ, खाना खा लो, चाय पी लो। चाय भी अपने ऊपर ले गए हैं। यकीनन आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करना, फुल वीडियो देख के चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफ़िज़।